माँ बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा एक कथा सुनने के बाद उसका जीवन सुमार्ग पर चला गया, तो तुम कभी उतना धन दौलत नहीं दे सकते जितने का वो अपने जीवन में सुधार कर चुका है। आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन वो बातों को ज्ञान तो है नहीं, बस जो मुंह पे आता है बोल देते हैं। सोचिए एक पत्नी का पति जो शराब पीता हो, एक छोटे छोटे बच्चों का बाप जो शराब पीता हो, और वो कथा सुनने के बाद अगर मदिरा पान करना बंद कर दे तो उस घर में उससे बड़ी खुशहाली कोई होगी? बोलो है? कोई जुआ खेलता हो और अगर किसी साधु के वचनों को मानकर वो जुआ खेलना बंद कर दे, उस घर की खुशहाली की कोई कीमत लगा सकते हो? क्या कीमत लगाओगे तुम? कोई कीमत नहीं। और ये परिवर्तन सिर्फ भगवान की कथाएं कर सकती हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता। सिर्फ भगवान की कथाएं करती हैं परिवर्तन। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप तो खुद तो कथा सुनो, साथ में अपने इष्ट मित्रों को भी कथा सुनवाया करो, अपने रिश्तेदारों को कथा सुनवाया करो, अपने परिवारिक जनों को कथा सुनवाया करो, क्योंकि उनके साथ आपको एवरीडे रहना है, तो उनके भी विचार आप जैसे ही विचार होने चाहिए। कथा का त्याग मतलब समझ लो तुम्हारा पाप जागृत हो गया। जब तुमसे कथा छूट जाए तो समझना तुम्हारा पाप जागृत हो गया, और जब तुम्हारे जीवन में कथा आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का पुण्य जागृत हो गया, जिसकी वजह से तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। कथा सुने कैसे? भगवान को मनाएं कैसे? ध्रुव की तरह। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र है, दो विवाह किए, बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुनीति जो कर्म से सुंदर है, सुरुचि जो तन से सुंदर है। नाउडेज सबको तन से सुंदर लोग चाहिए, मन से सुंदर नहीं चाहिए। हां जी कि ना जी? तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। कितने लोगों को जानते हो जिनका तन सुंदर है उनका मन भी सुंदर हो? जानते हो किसी को? जिसका तन सुंदर होगा उसका मन बड़ा विचित्र होगा भैया। देख लिए तेरी दुनिया वाले मुख जिनके उजले मन के काले, होके दुखी मैंने तुमको पुकारा, बांके बिहारी मुझे दुनिया किसको लाइक करती है? जिसका तन सुंदर हो। और भगवान किसको लाइक करते हैं? जोर से बोलो, जिसका मन सुंदर हो। तुम्हारा तन सुंदर है कि मन सुंदर है, जरा कृपा करके बताइए। तन भी सुंदर मन भी सुंदर भगवान का ही है, उसका मन भी सुंदर है और उसका तन भी सुंदर है। सिर्फ भगवान के कोई और ऐसे हो नहीं सकते, या तो भगवान या भगवान के चाहने वाले। जब भगवान की भक्ति करते हो तो फिर ये माने नहीं रखता कि तुम्हारा तन सुंदर है या नहीं है, एक ही चीज माने रखती है कि तुम्हारा कर्म सुंदर है, तुम्हारा मन सुंदर है, तुम्हारा चरित्र सुंदर है, तो मेरे कन्हैया को तू पसंद है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।
किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और को शायद कम होगी लेकिन इनको बहुत जरूरत है मेरे प्यारे हो। ध्रुव बड़ी रानी के पुत्र हैं और राजा छोटी रानी से प्रेम करते हैं, अटैचमेंट उनका जो है वो छोटी रानी से। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए और जैसे ही पिता की गोद में जाकर बैठे नीचे उतार लिया छोटी माँ ने और कहा कि तू इस गोद में तब तक नहीं बैठ सकता जब तक तू मेरे गर्भ से जन्म न ले। अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना ही है तो भगवान से कहे कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। दो अपराध किए, एक तो भगवान का और दूसरा भगवान के भक्त का। भगवान के भक्त से कहा कि तू मेरी कोख से जन्म ले, दूसरी बात क्या तेरी कोख इतनी पवित्र हो गई कि भगवान की तपस्या के बाद ही मिलेगी। भगवान ऐसे लोगों को बड़े देख लेते हैं अच्छे से, बोले अब तुझे दिखाऊंगा कि मैं इसे क्या दे सकता हूं। भगवान सब कुछ सहते हैं लेकिन अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते, कभी नहीं सहते अपने भक्तों का अपमान। वो अपना अपमान सह लेते हैं लेकिन अपने भक्तों का अपमान नहीं सहते। इसलिए जीवन में भगवान का भक्त बनने की कोशिश करो, उसके क्लोज होने की कोशिश करो। मेरे प्यारे हो, मां के कहने से ध्रुव, अपनी मां के कहने से ध्रुव कितने वर्ष के हैं? 5.5 वर्ष के ध्रुव। कितने वर्ष के? जोर से बोलिए। लोग तो कहते बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, ध्रुव तो 5.5 वर्ष में ही निकल गए हैं जी। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा, कृष्ण नाम नहीं गाएगा तो हरि का नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा। कब तक जग में? क्यों? भगवान की भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। और जिन भक्तों का नाम आप जानते हो उन सभी भक्तों ने भगवान की भक्ति बचपन से शुरू की है। इतिहास पढ़ा है कि नहीं? सुना तो होगा। मीरा ने भक्ति कब शुरू की? ध्रुव ने कब शुरू की? प्रहलाद ने कब शुरू की? तुलसी ने कब शुरू की? सूरा ने कब शुरू की? कर्माबाई ने कब शुरू की? बुढ़ापे में करनी चाहिए, अभी कोई उम्र हो गई है तुम्हारी, ये कोई उम्र है कथा सुनने की? धिक्कार है ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों को ऐसी एडवाइस देते हैं। और जो माँ बाप ये बात कहते हो अपने बच्चों से कि कथा सुनना, धर्म करना, भक्ति करना बुढ़ापे का काम है, उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है तुम्हारा, समझ लेना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास बाबा कहते हैं, जाके प्रिय नाम वैदेही तजिए ताहे कोटवेरी सम यद्यपि परम सरेही। जिसको राम प्रिय न हो, जिसे घनश्याम प्रिय न हो, उससे कभी कोई रिश्तेदारी मत निभाना। बोले हम ही छोड़ दें कि हमसे पहले छोड़ा है किसी ने? बोले इतिहास गवाह है, हमसे पहले भी छोड़ा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज वन तन भय मुदु मंगल। तजो पिता, पिता को ही छोड़ दिया किसने? जोर से बोलते जाओ, ये तो पता ही है तुम्हें। पिता को किसने छोड़ा? भाई को किसने छोड़ा? क्या
क्या, कैसे करोगे धर्म जब जानोगे नहीं अपने इतिहास को? जल्दी जल्दी रुकना मत, जवाब जल्दी देना। पिता को किसने छोड़ा, भाई को किसने छोड़ा, माँ को किसने छोड़ा? फिर ये ऊपर से कहते हम कथा तो बहुत सुन ली। कथा नहीं सुनी है अभी तक, कथाओं को उतारो जीवन में। कितना सिंपल सा जवाब है, भरत ने, प्रहलाद ने, विभीषण ने, गुरु को छोड़ दिया बलि ने, और की बात छोड़ो पति परमेश्वर, ए हस्बैंडो। आजकल के हस्बैंड कहते तुझे पता नहीं पति परमात्मा होता है, परमात्मा 5-5 किलो नहीं खाता है, पति परमात्मा वो है जो अच्छा हो, जो सत्कर्म करता हो, पति परमात्मा वो है जो चिंतन करता हो, सदमार्ग पर चलता हो, ड्रिंकिंग न करता हो, स्मोकिंग न करता हो, अपने माँ बाप का सम्मान करता हो, वो पति परमात्मा है। वो पति परमात्मा नहीं है जो पता नहीं क्या क्या करता है, I'm your husband, मार खींच के। राधे राधे बोलना पड़ेगा। You are not God, my dear, बिल्कुल भी नहीं। और गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया, और वो कौन से पति थे? वो भगवान को चाहने वाले थे, उनको भी छोड़ दिया। क्यों? बोले जब भगवान आ गया, सच्चा पति आ गया, तो क्या हुआ? बोले भाई मुद मंगलकारी, मंगल हुआ अमंगल नहीं। इसलिए जितने भी यंग बच्चे यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, एक ही निवेदन, तुलसीदास बाबा का ये संदेश जीवन में उतार लो। कौन सा संदेश? जिसे भगवान प्रिय नहीं, उससे न कोई रिश्तेदारी, न कोई दोस्ती, न उसके साथ टॉकिंग, कुछ नहीं। क्यों? अगर ऐसे लोगों से, बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो तुम भी नास्तिक बन जाओगे। और मेरे प्यारे, आस्तिक बनना मुश्किल है, नास्तिक तो एक सेकंड में बनता है आदमी। मैं बना के दिखाऊं, बताओ आस्तिक बनना मुश्किल है कि नास्तिक? आस्तिक बनने में पूरा जीवन लग जाता है, और नास्तिक बनने में एक सेकंड भी नहीं लगता। एक मैं, कोई भी कहे मुझे बना दो, मैं खड़ा करूं उसके और उसके गाल पे 5-7 मारूं खींच खींच के, बन गया वो नास्तिक। ये कैसा भेज, ये कैसे कथावाचक है? ये बच्चों को मारते, ये बूढ़ों को मारते, बन गया वो नास्तिक। नास्तिक बनाना बड़ी बात नहीं है, आस्तिक बनाना बड़ी बात होती है मेरे प्यारे। इसलिए अपने बच्चों को आस्तिक बनाओ, नास्तिक मत बनाओ, आस्तिक बनाओ। और सीखो ध्रुव से, 5.5 वर्ष का बच्चा, माँ ने कह दिया अगर बनाना ही है तो उस परम पिता को मना। मैं बच्चों से भी पूछ रहा हूं, जरा सोचो, तुम पहले अपने माँ बाप को ज्यादा टाइम दिया करते थे कि मोबाइल लैपटॉप आने के बाद ज्यादा टाइम देते? बोलो। मैं वो सच बोल रहा हूं जिससे कई बच्चे नाखुश भी होंगे, लेकिन याद रखना मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है कि तुम्हें भी परमात्मा ने बनाया है और मुझे भी परमात्मा ने बनाया है। इसलिए तेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए उपदेश दे रहा हूं। पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देते, वो जीते नहीं थे क्या? अच्छी जिंदगी जीते थे वो, उनके दुश्मन भी कम होते थे। तुम्हारे दुश्मन तो ज्यादा हो गए, जब भी कोई बात होती है वो तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें SMS कर देती है, कर देता है, बस हो गया शुरू। तो मेरे भाई बहन, माँ बाप को चाहिए सुनीति की तरह अपने बच्चों को बचपन से ही संदेश दे। ध्रुव ने बात मानी अपने पिता माँ की, सुनीति की बात मानी और घर छोड़ के चले गए। लेकिन बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और ये बालक तो चला आया ऐसे ही, अब इसे जब तक भगवान की कृपा से कोई गुरु न मिल जाए तब तक इसे गोविंद कैसे मिले? देवर्षि नारद, भगवान को जब कृपा करनी होती है तो गुरु तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु अपने आप आ जाते हैं। देवर्षि नारद आ गए और गुरु जी ने मंत्र दिया, अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। देवर्षि नारद ने मंत्र दिया, देव ध्रुव उस मंत्र को
अपने गुरु के आज्ञा मानकर चले। 5.5 वर्ष के ध्रुव तपस्या करना प्रारंभ किया, और ऐसी तपस्या एक बालक कर रहा है। पहले फलार किया, फल खाते थे 1 महीने तक, फिर फल छोड़ दिए, फिर सूखे पत्ते खाने लगे 1 महीने तक। सूखे पत्ते खाकर तपस्या कर रहे, एक पाम पर खड़े होना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद सूखे पत्ते भी खाना बंद कर दिया, सिर्फ वायु का आहार कर रहे हैं, और कुछ समय बाद तो वायु का आहार भी छोड़ दिया। देखिए यहां आहार, जितने भी लोग साधक बैठे हैं ना, जो भी भगवान को पाना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। एक तो सिर्फ कथा सुनना चाहते हैं वो इस बात को कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जो भगवान को ही पाना चाहते हैं उनको ये बात ढंग से समझनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा आहार शुद्ध होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारा आहार अशुद्ध होता है तुम्हारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं, और जब तुम्हारे विचार अशुद्ध हो जाते हैं तो तुम परमात्मा से मिलने योग्य नहीं होते हो। फिर सच्चा साधक वही है जो अपना आहार शुद्ध रखे, क्योंकि आहार से विचार बनता है, विचार से व्यवहार बनता है, और व्यवहार से मिलन होता है प्रभु के साथ। ध्रुव ने सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया, वायु का आहार करते रहे, फिर वायु का आहार भी बंद कर दिया, और वायु का आहार भी बंद कर दिया। 6 महीने जब हुए ध्रुव को तपस्या करते हुए, तो भगवान से रहा नहीं गया, मेरे प्रभु प्रकट हो गए, और नारायण भगवान शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। और नारायण भगवान बोले, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव ने प्रभु को दर्शन किया, ध्रुव ने प्रभु को देखा, और जैसे ही निहारा ध्रुव की आंखें बस भगवान को देखने लगी, ध्रुव की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। सुना था कि परम पिता नारायण होते हैं, नारायण होते हैं, देखा नहीं था, आज नारायण को 6 वर्ष के उस बालक ने देख लिया। स्तुति करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, होठ फड़फड़ाने लगे ध्रुव। और जब देखा भगवान ने, तो भगवान ने कृपा की, कृपा दृष्टि से उनको देखा, और कृपा दृष्टि से देखकर ध्रुव की सोई हुई सरस्वती को जागृत किया। और जैसे ही सोई हुई सरस्वती जागृत हुई, ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्थ हस्त चरण श्रवणत्वगाधीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं जानता हूं मेरी सोई हुई सरस्वती को आप ही ने जागृत किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जितने भी लोग यहां बैठे सब सुन ले, भगवान की मर्जी से ही सब ज्ञानी होते हैं, भगवान की मर्जी से ही सब लोग मूर्ख होते हैं। आप देखते हो ना, बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी बड़ी बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं कभी कभी, हाँ या ना? और कई बार कई मूर्ख भी बहुत अच्छी बात कर बैठते हैं कभी कभी, हाँ या ना? मूर्ख अच्छी बात कैसे कर सकता है, और ज्ञानी व्यक्ति अशोभनीय बात कैसे कर सकता? लेकिन नहीं, बाबा भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी से, ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जिस समय भगवान जिसको जो बना दे वो उस समय वैसा ही बन जाता है। हेलो, एक्सक्यूज मी, युवा, तुम लोग भी बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, तुम हो नहीं, तुम्हें बनाया गया है, समझ लो, हो नहीं, तुम्हें बनाया गया है। और जिस दिन वो तुम्हें बनाना बंद कर देगा, उस दिन तुम्हारे अपने लोग ही तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। हाँ जी कि ना जी, जोर से बोलिए जी। तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ के चल देते हैं ना जी, अब कहां गई तुम्हारे इतनी वाक्य पटुता,
अब कहां गया तुम्हारा वो क्लेवरनेस, कहां गया, कहां गायब हो गया? क्यों? क्योंकि तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में जो होता है वो मेरे परमात्मा की मर्जी से होता है, गोविंद की मर्जी। तुम समझदार हो उसकी कृपा से, तुम बुद्धिहीन हो उसकी कृपा से, तुम जो भी हो उसी की कृपा से, तुम पे तुम्हारा कुछ नहीं। एक आंख फोड़ के दोबारा लगा के देख, फोड़ मान जाऊं, फोड़ अभी फोड़, जीभ काट के दोबारा लगा के देख, मान जाऊं, नहीं कर सकता ना। पाम काट के दोबारा लगा के देख, मान जाऊं। जो भगवान ने दिया है तू अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान का ही है। चाहे तेरी बुद्धि हो, चाहे वो तेरा कर्म हो, चाहे सोचने की शक्ति हो, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ मेरे मालिक का है, तेरा कुछ नहीं है। वैसे ही वो तो ऐसा जैसे कोई मालिक विदेश चला गया हो, नौकर को मालिक बना के चला गया हो, तो जैसे मालिक जब तक ना आए तब तक मालिक बना बैठता रहे नौकर। तू नौकर है, यू आर सर्वेंट, आई एम सर्वेंट, वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, इज द माई बॉस, हु माई कृष्ण, माई लॉर्ड कृष्ण, वो हम सबका मालिक है। क्या बोलना पड़ेगा? मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले परम पुरुष परमात्मा, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान बोले वरदान मांगो, बोले वरदान मांगूं? हाँ। बोले प्रभु एक बात बताएं, जब तक आपका दर्शन नहीं किया तब तक बहुत इच्छाएं थी, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, पर जब हमने आपका दर्शन कर लिया ना, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। मैं हजारों बार आपको बता चुका हूं, ये दुनिया कब तक अच्छी लगती है? आपके बगल में जो कोई भी सुंदर बैठा हो उसे एक बार देखो आप, कोई भी बैठा, पुरुष पुरुष को ही देखें, माताएं माताओं को ही देखें, कसम लगे अगर कोई माता पुरुष को देखे या पुरुष माता को देखे तो। मैं कुछ और आपको कुछ एक्सपीरियंस करा रहा हूं कथा पंडाल में, शायद कोई और ना कराए, आपका यकीन बढ़ जाए इसलिए करा रहा हूं। आप अपने बगल में बैठी हुई किसी सुंदर स्त्री को देखिए, माताएं, और भाई लोग अपने बगल में बैठे हुए किसी सुंदर भाई को देखिए, बैठा है कि कोई नहीं बैठा है, देखो। अब तुम इस सुंदरता को कब तक देख सकते हो? कब तक? जब तक उससे बड़ा सुंदर तुम्हें न दिख जाए, और जैसे ही उससे ज्यादा सुंदर दिखेगा तो क्या करोगे? महाराज जी परमिशन हो तो दूसरे को देख ले, हाँ देख देख देख, आई परमिट यू, इट्स ओके, लगो। और उसको कब तक देखोगे? जब तक उससे सुंदर ना दिख जाए। ये आंखें इतनी लालची हैं सुंदरता की कि जब भी कोई सुंदरता दिखती है तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को देखती है। लेकिन याद रखो, इस दुनिया में कोई भी सुंदरता मेरे कन्हैया जैसी नहीं है। जब एक बार वो दिख जाए तो फिर कुछ और देखती नहीं है। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। रामायण में स्वयं श्री राम कहते हैं, मेरे दर्शन का फल क्या है? मेरे दर्शन का फल है कि जीव सबसे पहले अपने स्वरूप को पहचान लेता है। जितने लोगों को भगवान से प्रेम नहीं है, इसका मतलब है कि उनको अपनी पहचान नहीं है। समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, छोटी बात नहीं है, ये हर किसी की समझ में नहीं आएगी। जिनको भगवान से प्रेम नहीं है उनको अपनी पहचान नहीं है। No one knows the mystery of God, even no one knows the mystery of himself, in yourself, myself. हम अपने आप को ही नहीं पहचानते, भगवान को क्या खाक पहचानेंगे? और जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे, परमात्मा को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले जरूरी है, कंपल्सरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को पहचाने, और अपने आप को हम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए।
और जब भगवान का दर्शन होता है तो सबसे पहला फल क्या है कि जीव अपने आप को पहचान लेता है, और जब जीव अपने आप को पहचान लेता है तो फिर उसे घर अच्छा नहीं लगता, फिर लंबी गाड़ियों की इच्छा नहीं होती, फिर ये सेट वो सेट ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता, फिर तो क्या लगता है, बोले तेरे चरणों में ही लिपटा रहूं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, तू अपने चरणों की भक्ति दे दे, मुझे और कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ क्या चाहिए, भगवान से कह रहे ध्रुव क्या चाहिए, भगवान ने पूछा, बोले प्रभु एक काम करो, क्या करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, सब बोलिए करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही ले तन से निकले प्राण, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, सेवा करते रहिए सभी लोग, दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया, तेरे दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, तेरी अरज करता हूँ, ओ मैं फिर भी अरज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही ले इस तन से निकले प्राण, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, श्री राधे हरि ओ, राधा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, राधा मेरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हूँ पथ से भगवन मुझको ऐसी भक्ति दो, विचलित ना हूँ पथ से भगवन मुझको जीवन के हर शाम, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते
इस तन से निकले प्राण।